सोनभद्र के कोतवाली क्षेत्र में 5 साल के बालक के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी पड़ोसी युवक को अरेस्ट कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी पड़ोसी युवक का नाम ब्रजेश कुमार गोड़ है, जो कि बालक को बहला फुसला कर खेत में लेकर गया था। ये दिनांक 28/10 को थाने पे आके सूचना दिया कि उनका बेटा दीपक, जिसकी उम्र 5 वर्ष है, उसके साथ ब्रजेश कुमार गौड़, जो उनके बगल के गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अप्राकृतिक कार्य किया है। इस सूचना पर थाना की पुलिस ने एक्टिवली मुकदमा पंजीकृत किया, धारा 377 IPC 3/4 को एक्ट का, और मुलजिम को तत्काल गिरफ्तार किया। मुलजिम को जेल भेजा जा चुका है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई कर दी। मथुरा थाना गोविंद नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहरों में स्थित शॉपिंग मॉल में चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। SSP शैलेश कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। बताया गया कि क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों की घटना को देखते हुए गोविंद नगर थाना पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। अन्य शहरों से आकर ये 5 चोर जो है शॉपिंग मॉल में चोरी किया करते थे। इनके कब्जे से रिलायंस स्मार्ट बाजार से चोरी किया गया माल भी बरामद किया गया। SP सिटी और CO सिटी के क्लोज सुपरविजन में थाना गोविंद नगर की टीम ने तथा हमारी टेक्निकल सर्विलांस की टीम ने सराहनीय कार्य किया है, जिसमें एक 5 सदस्यीय अपराधियों का गिरोह पकड़ा गया है, जो विभिन्न मॉल्स को, सुपरमार्केट्स को निशाना बनाता था। और ये एक अंतरजनपदीय गैंग है, जिसके सदस्य विभिन्न जनपदों से हैं। इसमें मुख्यतः गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और बिजनौर के अपराधी इसमें शामिल हैं, और इनके द्वारा प्रदेश के कई जनपदों में इस तरह की वारदात की गई है, जिसमें जनपद मथुरा में थाना रिफाइनरी और थाना गोविंद नगर के 2 मामले हैं।